चलिए तो हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे स्टेप्स ऑफ डाइजेशन के बारे में। बेसिकली हमारे बॉडी में तीन तरह की चीज़ों का डाइजेशन होता है। देखिए, पहला है फैट, दूसरा कार्बोहाइड्रेट और तीसरा प्रोटीन। तो एक एक करके इन तीनों के डाइजेशन के स्टेप्स हम देखते हैं। पहले देखिए हम फैट के डाइजेशन को देखते हैं। फैट का डाइजेशन देखिए कैसा होता है। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। देखिए, एक स्टेप में फैट का डाइजेशन कंप्लीट हो गया, फैट कन्वर्ट हो गया फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। सिंगल स्टेप में फैट का डाइजेशन हो जाता है। अभी आगे आने वाले जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का हम डाइजेशन देखेंगे तो वो सिंगल स्टेप में नहीं होगा, वो दो या तीन स्टेप में होगा। यानी हम कह सकते हैं फैट का डाइजेशन ही एक ऐसा डाइजेशन है जो कि सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। उसके बावजूद भी फैट का डाइजेशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक प्री कंडीशन लगी हुई है कि जब तक उस कंडीशन को हम सेटिस्फाई नहीं करेंगे, उस कंडीशन को पूरा नहीं करेंगे, तब तक फैट का डाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है इमल्सिफिकेशन। यानी कि जब तक फैट का इमल्सिफिकेशन हम नहीं कराएंगे, तब तक फैट का डाइजेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। और इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या है? फैट के सरफेस टेंशन को कम कर देना, यानी फैट के सरफेस टेंशन को कम कर देना, या हम कह सकते हैं फैट को उस फॉर्म में ले आना जिस फॉर्म में उसका डाइजेशन पॉसिबल हो सके, ठीक है। तो ये प्री कंडीशन लगी होने की वजह से फैट का डाइजेशन सिंगल स्टेप में होने के बावजूद भी हमारे बॉडी में सबसे डिफ़िकल्ट होता है। चलिए, ये तो फैट के डाइजेशन की बात है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, कि हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कितने स्टेप में होता है। देखिए, पहला स्टेप है पॉलीसेगराइड्स कन्वर्टेड इनटू डाइसेगराइड्स एंड डाइसेगराइड्स कन्वर्टेड इनटू मोनोसेगराइड्स। तो अब आप खुद देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो दो स्टेप में यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। पहला स्टेप पॉलीसेगराइड से डाइसेगराइड बन रहा है और दूसरा स्टेप डाइसेगराइड से मोनोसेगराइड बन रहा है। यानी कि फैट का डाइजेशन तो सिंगल स्टेप में हो गया था, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यहाँ पे दो स्टेप में हो रहा है। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखनी है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हो जाता है, बिगिन हो जाता है कहाँ में? बक्कल कैविटी में। और कार्बोहाइड्रेट का ही डाइजेशन ऐसा डाइजेशन है जिसकी शुरुआत बक्कल कैविटी से हो जाती है, ठीक है। बाकी फैट और प्रोटीन का डाइजेशन बक्कल कैविटी से शुरू नहीं होता है, बिगिन शुरू होता है बक्कल कैविटी से, कंप्लीट नहीं होता है। मैंने यहाँ पे बिगिन वर्ड यूज़ किया है। यानी हम ये समझ लें कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन बक्कल कैविटी से शुरू होता है, बक्कल कैविटी में कंप्लीट नहीं हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है। अब अपना जो एक लास्ट प्रोडक्ट है यानी कि प्रोटीन, ज़रा देख लेते हैं उसका डाइजेशन कितने स्टेप में होता है। तो हम बात कर रहे हैं प्रोटीन के डाइजेशन। देखिए, पहले स्टेप में प्रोटीन कन्वर्ट होता है पेप्टोन्स एंड प्रोटीएजेस में। फिर दूसरे स्टेप में ये पेप्टोन्स एंड प्रोटीएजेस कन्वर्ट हो जाते हैं डाई एंड ट्राई पेप्टाइड्स में। और तीसरे स्टेप में ये डाई एंड ट्राई पेप्टाइड कन्वर्ट हो जाते हैं एमिनो एसिड्स में।
यानी कि आपको समझ में आ ही गया होगा कि प्रोटीन का डाइजेशन 3 स्टेप में कंप्लीट यहाँ पे हो रहा है, यानी अभी तक का सबसे लॉन्गेस्ट डाइजेशन प्रोटीन का ही है। प्रोटीन से पेप्टोन प्रोटीएसेस बनना पहला स्टेप, पेप्टोन प्रोटीएसेस से डाई एंड ट्राइपेप्टाइड बनना दूसरा स्टेप, एंड डाई एंड ट्राइपेप्टाइड से अमीनो एसिड बनना तीसरा स्टेप। ये 3 स्टेप होता है प्रोटीन का। जो पहला स्टेप का डाइजेशन है यानी कि ये है, वो होता किस में? स्टमक के अंदर होता, ठीक। और जो सेकंड और थर्ड स्टेप का डाइजेशन है ये कहाँ होता है? तो ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो पहला स्टेप का डाइजेशन है वो स्टमक में होने की वजह से किस मीडियम में होता है? एसिडिक मीडियम में होता है। और सेकेंड और थर्ड स्टेप स्मॉल इंटेस्टाइन में होने की वजह से किस मीडियम में होता है? बेसिक मीडियम में होता है। अब स्टमक में एसिडिक मीडियम कहाँ से आ गया और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये बेसिक मीडियम कहाँ से आ गया, इसको हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इतना समझ लें कि फैट का डाइजेशन सिंगल स्टेप, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन डबल स्टेप, और प्रोटीन का डाइजेशन ट्रिपल स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, और इन स्टेप्स को भी हमें याद रखना है।